मी डॉक्टर रायमन पाटील कात्री हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट गायनेकोलॉजिस्ट आणि सोनोलॉजिस्ट आहे. इथे सगळे प्रकारचे स्त्रीरोग निदान होतात. मैं सबसे पहले सोलापुर की आवान को सलाम करना चाहता हूँ. मेरे हिंदू भाइयों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ कि सोलापुर की पब्लिक ना सोई सुनी जागी ले. कौन काम कर रहा कौन नहीं काम कर रहा ये सब पब्लिक को मालूम है. अभी पब्लिक क्या है मालूम है कि जागरूक है. खाली बात करने वाले का काम नहीं होने वाला. अभी जो काम जो पब्लिक के साथ रहोगे पब्लिक के बीच में जो रहेगा तो लोग उसको वोट करेंगे उसको निवड़ को लेंगे उसको चाहेंगे. और जो महेश कोटे ने जो बात की मैं महेश कोटे को एक चेतावनी देना चाहता हूँ. महेश कोटे आप जो MIM पार्टी के ऊपर जो गंभीर आरोप करे 2014 के अंदर जब MIM पार्टी ठहरी थी आप हमारे शास्त्री नगर भाग के अंदर राम मंदिर बटराम डब्बा वहां पर हमारे को क्या बोले उन्होंने मालूम है क्या. MIM का काम करो जी. तुम्हारा वोट सिर्फ MIM के सिवा दूसरे किसको नहीं जाना. आज MIM के बारे में जो महेश कोटे जी ने बात की कि MIM पार्टी दिशा भूल कर रही है. MIM पार्टी किसी का दिशा भूल करती नहीं किसी के पैसे लेती नहीं. और MIM पार्टी एक शुक्र पार्टी है जो हर दलित पिछड़े समाज के हक में जो बात करती है. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर बेबाक बोलते वही एक मर्द मुजाहिद है जो सबके आंखों में आके डाल कर जो बात करता है. तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नक्श कदम पर हम चल रहे हैं. जो हमारे आज नेता है जो फारूक भाई शाब्दी उनके मार्गदर्शक पर आज MIM पार्टी चल रही. MIM को बोलने की जरूरत नहीं. MIM लोगों के दिल में बसी लिए. MIM की दिशा भूल मत करो तुम. लेकिन हमारे जो कुछ लोग हैं जो आज मैं उनको एक आह्वान करना चाहता हूँ. आज तुम अल्लाह ताला तुम्हारे को साहेब समझ दिए लाए. तुम अक्का पर पट्टी डालकर मत बैठो. तुम देखो ये आज लोग बोल रहे अपने को कि ये MIM पार्टी बी टीम है. तो आज तुम देखो ना हम राष्ट्रवादी को वोट करते कांग्रेस को वोट करते आज जितने भी जो लोगों को हम वोट करते आज उन्हें जाओ किसके गोद में बट रहा बीजेपी के गोद में बट रहा. तो फिर हम इनको क्या बोल को वोट करना. हाँ आज महेश जी कोटे जो बात कर रहे हैं महेश जी कोटे का जो लड़का है एक मोर्चा निकला था एक हिंदुत्व मोर्चा था जो बजरंग दल RSS जो उनको हैंडओवर किया था उसमें कांग्रेस पार्टी थी राष्ट्रवादी थी सेना थी भाजप थी. लेकिन उसमें एक जो तलवार फिराने का जो काम किया महेश कोटे का लड़का जो महेश कोटे का तलवार फिराने का जो काम हुआ उनके लड़के का आप तुम देखो ना कौन मुसलमान के खिलाफ है कौन मुसलमान के हित में बात करते है. आज मुसलमानों को उस मोर्चे के अंदर कैसा कैसा बदनाम करने का कैसी कैसी बात की गई है वो आज हमारे दिल में लिखी गई है. आज हम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरते हम किसके बाप से भी नहीं डरते. हम कुछ जिम्मेदारियां है हमारे ऊपर कुछ बोझ है. हम अमन का एक पैगाम देना चाहते हैं लोग को. हम इस देश में रहते हैं इस देश की मिट्टी हमारी एक धरती माँ है. हम इस देश पर आज हम इस हमारे को फखर है हम के भारत देश में है. लेकिन कुछ लोग कुछ जो ये चालबाजी कर रहे जो मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे लेकिन आज मुसलमान भी सोच लेने मुसलमानों को भी मालूम है ये वक्त बताएगा कौन किसके. और MIM इनको करारा जवाब देंगी. हम किसी के बहकाव में आने आने वाले और किसी का सुनने वाले भी नहीं. लोगों के दिल में MIM बसी ले. MIM क्या काम कर रही. तो आज ये लोग जो MIM को बदनाम करने का काम कर रहे तुम देखो ना MIM कहाँ नहीं गई. MIM कौन से देश में नहीं गई कौन से हिक में नहीं गई चाहे हिंदू हो चाहे दलित हो हर छोटी जाति पिछड़े समाज के लोग के अंदर MIM पार्टी जाकर काम कर रही है. आज इन्हों अपने महलों में आज बिस्तरों में इन्हों सो रहे सिर्फ मुसलमानों को हम देखते हैं. आप भी देखो यूट्यूब पर फेसबुक पर हमेशा मुसलमानों को बदनाम करने का काम चालू है. लेकिन मुसलमान किसके बाप से भी नहीं डरने वाला. मुसलमान डरने वाला तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरने वाला. हम भी किसके बाप से नहीं डरने वाले. अगर तुम ऐसे सवाल जवाब जब MIM पार्टी को करते रहेंगे तो हमारे नेता का भी आदेश है हम चुप बैठने वाले नहीं. हमारे को हम जब तक महानगर पालिका के अंदर हमारे 20-25 नुमाइंदे नहीं भेजेंगे जो लोगों के हक में बात करना लोगों के हित में बात करना तलवे चाटने वाले को नहीं भेजने वाले. हम जो हक की बात करेंगे उसको भेजेंगे. और समाज के हवाले क्या करेंगे जो
हम सिर्फ एमआईएम पार्टी मुस्लिम की पार्टी नहीं है, एमआईएम पार्टी मुस्लिम की नहीं है, हर समाज की पार्टी है। आज ऐसे बहुत से लोग है जो ओपन में नहीं आ रहे, इलेक्शन आने के बाद में हम इनको भी कुछ लोगों को इनके बेग नकाब करने वाले हैं, इनके चेहरे फाश करने वाले हैं कि हमारे भी कौन कौन से हमारे संपर्क में, कौन कौन से लोग हमारे साथ में, कुछ कांग्रेस के भी, कुछ राष्ट्रवादी के भी, कुछ और सेना के भी हमारे में से जुड़े हुए ले। लेकिन हम अभी उसको बताना नहीं चाहते, अभी हम खुल को जो इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा तब आपको समझ में आएगा, जब बताएंगे हम क्या कर सकते।